तो वेलकम बैक भाई लोग, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है सभी का एक और वीडियो पे। अब यहाँ पर मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था आप किस तरह से बंजी कॉर्ड का नेटवर्क सेटअप कर सकते हो, और आई होप कि आप में से बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखकर अपना खुद का यहाँ पर बंजी कॉर्ड का नेटवर्क जरूर बनाया होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या आपका जो बंजी कॉर्ड का नेटवर्क है वो सिक्योर है। तो आज के वीडियो पे मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपना जो बंजी कॉर्ड का नेटवर्क है उसको सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती ये है कि हमें बंजी कॉर्ड नेटवर्क सिक्योर करना ही क्यों है ना। तो उसी का भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो बंजी कॉर्ड का जो नेटवर्क है उसको सिक्योर करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि बंजी कॉर्ड नेटवर्क वर्क कैसे करता है, बंजी कॉर्ड नेटवर्क कैसे काम करता है। उसके लिए देखो, हम लोग के पास यहाँ पर मल्टीपल सर्वर होते हैं, जैसे कि हम लोग के पास एक बेडवर्स का सर्वर होता है, एक लाइवस्ट्रीम का सर्वर होता है, एक यहाँ पर स्काईवर्स, जो भी जितने आपके जो सर्वर रहते हैं, आपके बैकएंड सर्वर जितने सारे रहते हैं उनका एक आईपी रहता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस रहता है। अगर आपका सेम आपने हार्डवेयर पे बनाया तो आपका आईपी सेम रहेगा, बस आपका पोर्ट चेंज रहता है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि सारे आईपी को आप बंजी कॉर्ड से लिंक करते हो, और यहाँ पे बंजी कॉर्ड आपको एक आईपी देता है, ठीक है। उस आईपी को आपने प्लेयर को देते हो, वो प्लेयर उस आईपी के थ्रू आपके बाकी के बैकएंड सर्वर में यहाँ पे ज्वाइन हो पाता है, लाइफ स्टील, बेड वॉर्स, स्काई वॉर्स, मीनिंग जो भी हो। अब यहाँ पर समहाउ किसी को आपका जो बैकएंड सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो मिल जाता है, या फिर आपके जो किसी दोस्त हैं उनको पता रहता है कि आपका जो बैकएंड आईपी है वो क्या है। अब यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि अपना एक खुद का प्रॉक्सी नेटवर्क बनाते हैं और उस बैकएंड आईपी को अपने प्रॉक्सी नेटवर्क से लिंक कराते हैं। तो इसका ये होता है कि उनके प्रॉक्सी नेटवर्क से भी बंदे लोग आपके सर्वर पे ज्वाइन कर पाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि आपने जो अपने बंजी कॉर्ड का नेटवर्क उसके अच्छी तरह से सिक्योर किया हुआ है, आईपी जितने सारे प्लगइन होते हैं, जैसे कि सिक्योर प्लगइन हो, मतलब प्लगइन हो गया, आईपी वाइट लिस्ट हो गया, यहाँ पर जितने भी सारे लॉगिन सिक्योरिटी हो गया, ये सब आपने बहुत अच्छे से सेटअप किया। लेकिन आपका जो दोस्त है या फिर किसी अदर प्लेयर जो जिसके पास आपका आईपी है, उसने जो प्रॉक्सी सर्वर बनाया उसको उसने सिक्योर नहीं किया है, और वहाँ पर कोई भी बॉट अटैक कर सकता है, आपका अकाउंट को हैक कर सकता है, या फिर आपके कुछ भी वहाँ पर होता है, कुछ जो सीधा इफेक्ट है वो आपके सर्वर पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग अपने बंजी कॉर्ड को सिक्योर करते हैं। तो बंजी कॉर्ड को सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हम लोग का प्लगइन जो कि है बंजी गार्ड। ये है गाइस बंजी गार्ड, ये आपको डाउनलोड यहाँ पे मिल जाएगा, ये अपना स्पीड गार्ड एमसी पे आपको मिल जाएगा ये, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं अपने आने वाले जितने सारे वीडियोज होंगे या फिर जितने सारे वीडियो मैंने बताए जितने सारे प्लगइन उसका लिंक आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएगा। तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी मैंने यहाँ पर एक नया डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है। तो टॉपिक से हट के अब यहाँ पर हम अपने वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये है हमारा बंजी गार्ड, अब हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। अब ये जो बंजी गार्ड है ये आपके प्रॉक्सी सर्वर यानी आपके बंजी गार्ड और आपके बैकएंड सर्वर यानी आपके जितने सारे जो लाइफ स्टाइल हैं सर्वर उनके सर्वर पे भी यूज होगा ये सेम प्लगइन। तो इसको यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होगा। वैसे मैंने इसको पहले डाउनलोड कर लिया तो मेरे को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं अपने चलता हूँ प्रॉक्सी सर्वर पर, सबसे पहले मैं अपने डालता हूँ अपने इसको हमारे जो बंजी गार्ड है उस पर, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ प्लगइन पे। अब प्लगइन पे आप देख सकते हो कि कोई अदर प्लगइन नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे प्लगइन हटा दिए हैं। यहाँ पे मैं इसको अपलोड करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो बंजी गार्ड है इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और ये हमारा अपलोड हो चुका है। और सेम चीज़ अपने को करना अपने जितने सारे बैकएंड सर्वर हैं, यहाँ पर मैं एक ही सर्वर का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल सर्वर है, जैसे कि लॉबी सर्वर है, आपके पास एक लॉबी सर्वर हो गया, बेड वॉर सर्वर हो गया, स्काई वॉर सर्वर हो गया, मिनी गेम सर्वर हो गया, आपके पास जितने सारे बैकएंड आईपी हैं आपको, मतलब सॉरी बैकएंड आईपी बोलता हूँ, जितने आपके बैकएंड सर्वर हैं उन सभी सर्वर में आपको ये बंजी कॉर्ड को इंस्टॉल करना होगा। अगर आप एक में छोड़ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर फाइल्स में जाते हैं और वापस से अपने जाते हैं प्लगइन्स पे। और प्लगइन्स पे यहाँ पे आप देख सकते हो कोई दूसरा प्लगइन यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं इसको अपलोड करता हूँ, हमारा जो बंजी गार्ड है आपको इसको अपलोड करते हैं इसमें। अब हमारा जो बंजी गार्ड है यहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पर हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर ये हमारा प्रॉक्सी स्टार्ट हो चुका है। ओके भाई लोग, तो यहाँ पर हमारा जो बंजी कॉर्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ हमारे फाइल्स पे और जाता हूँ प्लगइन्स पे। तो बंजी कॉर्ड का जब आपका जो फाइल है यहाँ पर आप बन जाता है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखने को मिलेगा, वो है टोकन। और यहाँ पर ये आपका टोकन कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा, ये है आपका टोकन। तो आपको इस टोकन को कंप्लीट करना होगा, सॉरी कंप्लीट को बोलता हूँ कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस टोकन को कंप्लीट, सॉरी फिर से कॉपी करता हूँ, इस टोकन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर फिर अपना जो लॉबी सर्वर वहाँ पर जाता हूँ और फाइल्स में जाता हूँ, और यहाँ पर फिर से हमारे प्लगइन पे जाता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी बंजी गार्ड का एक फाइल बना हुआ है। अब यहाँ पर जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको टोकन दिखेगा, यहाँ पर आपको कन्फिग दिखेगा।
कॉन्फ़िग में हम जाते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलाउ टोकन करके, तो आपको इसको हटा देना होगा पहले, इसको ये पूरा हटा देना होगा, उसके यहाँ पे आपको एक डैश देना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना होगा। अब अगर आप यहाँ पर मल्टीपल प्रोक्सी सर्वर बना रहे हैं, यानी एक नहीं दो तीन प्रोक्सी सर्वर बना रहे हैं, तो उनके जितने सारे आपके जो टोकन वहाँ पे क्रिएट होंगे सीक्रेट टोकन, आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर आपके पास दो हैं तो आपके यहाँ पर दोनों को डालना होगा, आपके पास तीन है तो आपको तीनों को इसमें डालना होगा। अब इसको हम सेव करते हैं और हमारा जो सर्वर है उसको रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी गाइस हम लोग अपना जो कंसोल का तो नहीं लगेगा, फिर भी हम इसको रिस्टार्ट कर देते हैं एक बार, तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पर बंजी गार्ड करता है क्या है कि आपका जो टोकन आपको अभी जो देखने को मिला था वो टोकन आपको सारी सर्वर पर डालना रहता है, तो यहाँ पर जब भी प्लेयर जब ज्वाइन करता है वो टोकन को देखता है कि आपका जो बंजी गार्ड का जो टोकन है और आपके जो बैकेंड सर्वर का जो टोकन है वो एक्चुअल मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो मैच कर रहे हैं तो उसको अलाउ करता है सर्वर में ज्वाइन होने के लिए, लेकिन अगर वो मैच नहीं करते हैं तो वो सर्वर से उसको किक कर देता है और बोलता है कि आपको अपने जो मेन प्रोक्सी सर्वर है उससे ज्वाइन करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा सब कुछ ऑन हो चुका है, लॉबी भी ऑन हो चुका है और अपना बंजी कॉर्ड भी ऑन चुका है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे अपना जो बंजी कॉर्ड है उसमें जाके दिखाता हूँ। ओके भाई लोग, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा बंजी कॉर्ड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं जैसे यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं अपने लॉबी सर्वर पर आ चुका हूँ बिना किसी एरर के। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपने सर्वर पे ज्वाइन हो चुका हूँ। अब मैं आपको जैसे कि यहाँ पे आपको सर्वर भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे सर्वर दिखा रहा, तो आप देखो यहाँ पे हम लॉबी पे भी आ चुके हैं हमारे लॉबी सर्वर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बिना किसी एरर के ज्वाइन हो गए। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पर हमारा जो सर्वर है उसके टोकन में कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे यहाँ पे प्लगइन हो गया, बंजी कट हो गया, टोकन हो गया। अब टोकन में जैसे यहाँ पे देखो जो लास्ट में एस एस के जगह पे मैं यहाँ पे एक डालता हूँ वन, यहाँ पे मैंने एक ही वर्ड को चेंज किया है वन, उसको यहाँ पे सेव करता हूँ, अपना जो बंजी कॉर्ड है उसको रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना जो टोकन उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, अब मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अपना जो बंजी कॉर्ड है उसको यहाँ पे रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे हमारा जो बंजी कॉर्ड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब मैं अपने गेम पे वापस जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो अब मैं इसमें वापस ज्वाइन करूँगा। हाँ, अब मैं इसमें वापस जब ज्वाइन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये कनेक्टिंग टू सर्वर आएगा, उसके बाद यहाँ पर मेरे को ये किक कर देगा, किक वाइल कनेक्ट टू द लॉबी अनेबल टू ऑथेंटिकेट, यहाँ पर ये आपको दिखेगा। या फिर आप इसको आप कस्टम वहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, जो आपका जो आईपी मतलब जहाँ पर ये जो मैसेज है इसको आप कस्टम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अब आपको समझ में आएगा बंजी कॉर्ड का इस्तेमाल क्या होता है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपके जो जो दोस्त हैं या फिर किसी को आपका जो बैकएंड आईपी उसका जो बैकएंड सर्वर है उनके आईपी मिल चुके हैं, उसने अपना प्रॉक्सी में उन बैकएंड सर्वर के आईपी को यूज़ किया है, लेकिन आपने जैसे यहाँ पर ये सेटअप कर दिया बंजी गार्ड को, बंजी गार्ड के यूज़ से अब क्या होगा कि आपके जो प्लेयर हैं या फिर आपके जितने ज़्यादा बंदे हैं वो आपके ही प्रॉक्सी से ज्वाइन हो पाएंगे, अदर किसी की प्रॉक्सी से वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास भी आपका सेम टोकन ना हो, ठीक है। अगर टोकन भी होगा तो फिर आपको वहाँ पर देखे होगे कि उनको रैंडम टोकन मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप हमारा बंजी कॉर्ड है उसको सिक्योर कर सकते हो अदर प्लेयर को अदर बंजी कॉर्ड से ज्वाइन होने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ चुका हो कि आप किस तरह से अपना जो बंजी कॉर्ड है उसको सिक्योर कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस आज के वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है गंजी कॉर्ड से रिलेटेड आप मेरे को डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करो और मेरे को क्वेश्चन पूछो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई देने के बहुत ज़्यादा ट्राई करूंगा या फिर क्वेश्चन करूंगा। वैसे आप मेरे को रात के यानी मतलब शाम के 7 बजे ही मेरे को मैसेज करना, क्योंकि मैं उस टाइम पर ज़्यादातर फ्री रहता हूँ, तो उस टाइम पर मेरे को मैसेज करना, मैं उस टाइम पर आपको रिप्लाई देने की जरूरी सॉरी मैं उस टाइम पर आपको रिप्लाई देने की बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी उस टाइम पर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, पता नहीं क्या करता रहता हूँ, पर छोड़ो, ठीक है। मिलता है आपको, थैंक यू सो मच, बाय।